तो भाई लोग कैरिबियन प्रीमियर लीग 2024 जो पहला मैच है ना, इस मैच में एंटीगुआ बारबुडा फाल्कोंस के सामने होगा सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एंटीगुआ न्यू टीम है, आई थिंक 2013-14 में खेला था लेकिन वो नाम दूसरा था, अभी जमैका तलावास गया, उनकी जगह पे एंटीगुआ आ गया। तो भैया इस मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जो आज का मैच है अपने नाम पे करेगी? वैसे हम बात करें तो ये दोनों टीमें पहली बार हेड टू हेड आमने सामने होंगी, क्योंकि एंटीगुआ पहले दूसरी टीम थी 2013-14 में, अभी दूसरी टीम है, तो ये हेड टू हेड पहली बार खेलेंगी। तो कौन सी टीम इतिहास का इन दोनों टीमों के बीच में जो पहला मैच खेला जाएगा उसे अपने नाम पे करेगा, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, अब ना करोगे तो कब करोगे? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर डालें, और जिन लोगों ने पहले से कर रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, लाइक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और साथ में मैं बता दूं आपको, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि देखो भाई लोग, टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते थे। इतनी ज़बरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी? कहीं भी ना मिलेगी। आपको यकीन नहीं है? ओहो, ऐसी बात है। ऐसा करो, अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में जो भाई की अपडेट है ना वो चेक करना। अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं पे भी जाने वाने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम पसंद ना आए तो तब आप वापस आ जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। अगर हम इस मैच की बात करें तो आप सबको पता है 4:30 AM बिल्कुल मॉर्निंग में खेला जाएगा ये जो मैच है, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में खेला जाएगा। इस मैदान पे इससे पहले टी20 डोमेस्टिक के 6 मैच खेले गए, जिसमें से एक मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, 5 मैच में क्या हुआ, टारगेट चेज। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, चेज ज़्यादा होता है, डिफेंड एक ही मैच में हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान होता है। क्यों होता है आगे बताऊंगा। जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 154, मतलब बहुत ज़्यादा रन बनते नहीं है, वो आसानी के साथ चेज हो जाते हैं। टारगेट चेज की बात करें तो 150 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 166 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। वहीं दोस्तों 150 से 166 के बीच में स्कोर होगा तब क्या होगा, तब समझ जाना कि भैया जो मामला है ना वो तो बराबर का आ गया, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। अगर हम यहाँ की सरफेस की बात करें तो ड्राई है, लेकिन शुरू में जब बॉल नया होता है तो तेज़ गेंदबाजों को थोड़ा बहुत हेल्प करता है, 2-3 ओवर 4 ओवर तो वहाँ पे विकेट जाते हैं। लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है तो कंडीशन स्लो हो जाती है, जो स्पिनर्स गेंदबाज हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लग जाता है, तो बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग की बात करें, दूसरी इनिंग में जो न्यू बॉल से तेज़ गेंदबाज होते हैं ना, क्योंकि सरफेस यूज हो चुका होता है तो तेज़ गेंदबाजों को हेल्प नहीं मिलता, बाद में स्पिनर्स गेंदबाजों को हेल्प करता है। इसलिए पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान है। हालांकि जो बाउंड्री लेंथ है वो 56 से 65 मीटर की छोटी बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे शुरू में तेज़ गेंदबाजों को हेल्प करना, बाद में स्पिनर्स गेंदबाजों को हेल्प करना, तो बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके पहले इनिंग में, क्योंकि पहली इनिंग में दोनों गेंदबाजों को हेल्प करता है तेज और स्पिनर, और सेकेंड इनिंग में सिर्फ स्पिनर्स गेंदबाजों को यहाँ का पिच हेल्प करता है जब बॉल पुराना हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे आज का मैच की बात करें तो मुझे लगता है मीडियम स्कोरिंग देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग देखने को नहीं मिलेगा। बात करें पावर प्ले स्कोर की तो 47 से 52 के बीच में, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 145 से 160 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीमें इस मैदान पे अपना पहला टी20 मैच खेलेंगी। जब पहला मैच खेलेंगी तो क्या होगा, चलो पता करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस की। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ने की बात करें तो ब्रेंडन किक के साथ फकर जमान ओपन करते नजर आ सकते हैं, तीसरे नंबर पे आपको दिखेंगे कॉफी जेम्स, चौथे नंबर पे सैम बिलिंग्स, पांचवे नंबर पर जेवल एंड्रू, और छठवें नंबर पे इमाद वसीम या फिर क्रिस गिन, दोनों में से कोई एक, जहां तक है कि इमाद वसीम जाएंगे। सातवें नंबर पर फेबियन एलन, आठवें नंबर पर रोशन क्रामस, नौवें नंबर पे मोहम्मद आमिर, दसवें नंबर पे हेडन वॉल्स, ग्यारहवें नंबर की बात करें तो सामर स्प्रिंगर खेलते नजर आ सकते हैं। ये हो सकती है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रेंडन किक, तो आप सबको पता है तगड़े बल्लेबाज हैं, लगातार रन बनाते रहते हैं, समझदारी के साथ भी खेलते, तेज भी खेल सकते हैं। फकर जवान की बात करें तो ये भी तगड़े बल्लेबाज हैं। हालांकि दोनों की फॉर्म की बात करें, जो फॉर्म है आपने हालिया परफॉर्मेंस देखी होगी, तो थोड़ा सा आधी अधूरी है, चाहे फकर जवान की बात करें या ब्रेंडन किंग की बात करें, कभी चलते हैं कभी नहीं चल पाते। बात करें अगर हम यहाँ पर कॉफी जेम्स की, तो इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आया, अगर वैसी परफॉर्मेंस ये सीपीएल में भी करके दिखाते हैं तो जो एंटीगुआ की टीम है उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल कर आए हैं। सैम बिलिंग्स की बात करें तो बल्लेबाज है तगड़े, लेकिन कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, अपनी द 100 में देखा होगा
एक आध मैच में चलते थे, एक दो मैच में फ्लॉप हो जाते थे। तो सैम बिलिंग्स है, इनकी भी जो परफॉर्मेंस है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। बात करें अगर हम यहाँ पर जेवल एंड्रू की, तो जेवल एंड्रू की भी जो परफॉर्मेंस है ये डोमेस्टिक में तगड़ी रही है, बढ़िया खेला तभी इनको टीम में सिलेक्शन किया गया। अगर वैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे दोहराते हैं जेवल एंड्रू तो एंटीगुआ के लिए बेहतर होगा। इमाद वसीम की बात करें तो बल्लेबाजी में बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन गेंदबाजी अभी भी तगड़ी कर रहे हैं, मतलब सभी मैच में किफायती होते, एक आधा दो विकेट चटका देते हैं। और यहाँ की पिचों पर जब स्पिनर्स को हेल्प करता है तो इमाद वसीम और भी खतरनाक दिखते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा बढ़िया फॉर्म में नहीं है। लेकिन इमाद वसीम का एक आंकड़ा है, सीपीएल में हमेशा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बढ़िया करी है, तो देखते हैं क्या वैसी परफॉर्मेंस निकलने को दिखने को मिलती है नहीं मिलती। बात करें अगर यहाँ पे क्रिस ग्रीन भी खेलते हैं तो क्रिस ग्रीन भी गेंदबाजी तगड़ी करते हैं, बल्लेबाजी में बहुत कम योगदान दे पाते, कभी कभी चल जाते हैं तो कभी कभी नहीं चलते, क्योंकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। बाकी अगर यहाँ पे फेबियन एलन की बात करते, फेबियन एलन भी ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं कह सकते, कभी चार विकेट निकाल लेते कभी तीन, तो एक आता दो मैच में विकेट भी इनको नहीं मिलता। बल्लेबाजी में एक आता दो मैच पे चलेंगे तो दो तीन मैच में फ्लॉप भी हो जाते हैं, कौन फेबियन एलन। बाकी रोशन पिरामस की बात करते, गेंदबाजी हमेशा तगड़ी करते हैं, डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, सीपीएल में ठीक ठाक गेंदबाजी करके मतलब करते हैं, तो अभी जो रोशन पिरामस की फॉर्म है ठीक ठाक है। बाकी मोहम्मद आमिर की बात करते, आप सबको पता है एक्सपीरियंस है, तगड़े गेंदबाज हैं और सीपीएल में हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करते भी हैं। मोहम्मद आमिर की जो फॉर्म है वो तगड़ी भी है। लेकिन हेडन वॉल्स की बात करें, एक टाइम पर इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था लेकिन परफॉर्मेंस डाउन होती गई, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम से भी बाहर होते गए। जो इनकी फॉर्म है हेडन वॉल्स की वो उतनी ज्यादा तगड़ी मेरे को नहीं दिख रही है। सामा स्प्रिंगर की बात करते, ये भी गेंदबाज है, तगड़ा यंग है, बढ़िया गेंदबाजी करता है, डोमेस्टिक में जब जब सीपीएल भी खेले ठीक ठाक गेंदबाजी करी है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं। ओवरऑल जो टीम है ठीक ठाक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात करें तो आधे खिलाड़ी फॉर्म में, आधे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म में। वहीं दोस्तों अगर बात करें सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियस की, जो इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी, एमिल लुइस, आंडे फ्लेचर, काइल मेयर्स, इन तीनों में से दो ओपन करेगा, एक तीसरे नंबर पे खेलेगा, कौन खेलेगा तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि तीनों ओपनिंग करते, तीनों में से कोई एक तीसरे नंबर पे भी खेल सकता है। चौथे नंबर पे आपको दिखेंगे रेली रोसो, पांचवें नंबर की बात करें तो तिस्तन अस्तब, छठवें नंबर पे सिकंदर रजा, सातवें नंबर पे सरफिन रदरफोर्ड, या फिर छठवें नंबर पे सरफिन रदरफोर्ड, सातवें नंबर पे सिकंदर रजा, आठवें नंबर पे आपको दिखेंगे ओडियन स्मिथ, नौवें नंबर की बात करते डोमिनिक ड्रेक्स, दसवें नंबर पे आसमेट नेट या फिर ब्रिस्मे परमोल। अगर आसमेट नेट खेलेंगे तो प्लेइंग 11 में उधर तेज गेंदबाज आनिश नोकिया दिखेंगे, अगर ब्रिस्मे परमोल खेलेंगे तो उधर फिर तेज गेंदबाज की जगह पे स्पिनर्स गेंदबाज तबरेज शमसी दिखेंगे। तो ये हो सकती है इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 किसकी, सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियस के। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें, मान लो एमविन लुइस एंड आंडे फ्लेचर ओपनिंग करने आते हैं, तो दोनों की बात करें, दोनों तगड़े बल्लेबाज है, फॉर्म की बात करें तो कभी रहती है कभी साथ में नहीं रहती, लेकिन जब भी चलते हैं मैच को एक तरफा करते हैं, लेकिन लगातार रन नहीं बना पाते, एक मैच में रन बनाते थे, एक दो मैच में फ्लॉप भी होते हैं। सेम कहानी है काइल मेयर्स की, एक टाइम पे तगड़ी फॉर्म में थे, लेकिन अभी की बात करें तो जो अभी फॉर्म है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है किसकी, काइल मेयर्स की, लेकिन बल्लेबाज तगड़े हैं, थोड़ा बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं। रेली रोसो की बात करें, ये भी आप सबको पता है कमाल के बल्लेबाज है, लेकिन इनकी भी फॉर्म की बात करें तो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, मतलब लगातार रन ये भी नहीं बना पाते, लेकिन जो लास्ट टूर्नामेंट खेला था एलपीएल लंका प्रीमियर लीग वहाँ पर तो रन बनाया। बाकी तिस्तन अस्तब की बात करें तो भैया सबको स्तब्ध करके रखा, जो इनकी फॉर्म है बहुत ही तगड़ी है, पिछले एक साल से हर बार हर जगह रन बनाते जा रहे हैं, चाहे फिर वर्ल्ड कप हो, या 100 हो, या फिर आईपीएल हो, बढ़िया खेला रन बनाया। तीसरा स्तब की जो फॉर्म है तगड़ी है। बात करें सरफिन रदरफोर्ड, एज ए फिनिशर खेलते हैं लेकिन कभी बढ़िया फिनिश कर पाते, कभी बढ़िया फिनिश नहीं कर पाते, जो फॉर्म रहती है कभी आती जाती रहती सरफिन रदरफोर्ड की। सिकंदर रजा की बात करें तो बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी करके देता है, आप सबको पता है, लेकिन जो इनकी भी फॉर्म है ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कभी आती जाती रहती, कभी चलते कभी नहीं चल पाते, कौन सिकंदर रजा। बाकी ओडियन स्मिथ की बात करें तो ओडियन स्मिथ कमाल का ऑलराउंडर है, जो तेज़ गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया फिनिश कर लेता है, बस बात इतनी है कि विकेट तो मिलता है इनको एक आता तो, लेकिन थोड़ा सा रन भी देते हैं ओडियन स्मिथ और बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके देते हैं। डोमिनिक ड्रेस की बात करें तो डोमिनिक ड्रेस कमाल के गेंदबाज हैं, मतलब वो इनके पास वेरिएशन भी है, स्विंग है, बढ़िया तेज गेंदबाजी करते हैं, जब जब इनको मौका मिलता है ठीक ठाक गेंदबाजी करके दी है इन्होंने। अगर यहाँ पे आसमेंट नेट खेलते हैं तो तगड़े स्पिनर्स हैं, जो किफायती रहते हैं, हालांकि विकेट थोड़ा कम मिलता है लेकिन किफायती रहते हैं। अगर इनकी जगह पे खेलते हैं ब्रिस्मे परमोल, ब्रिस्मे परमोल कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, मतलब एक आता दो मैच में बढ़िया गेंदबाजी करेंगे तो एक आता दो मैच में थोड़ा सा महंगे भी साबित हो जाते हैं। अगर तबरेज शमसी खेलते तो यहाँ के पिचों पर काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, तबरेज शमसी सपाट पिच पर विकेट चटका देते हैं तो यहाँ के पिचों पर जो इनकी गेंदबाजी होगी तगड़ी होगी। अगर इनकी जगह पर आनिश नोकिया भी खेलते हैं तो नोकिया की गेंदबाजी यहाँ पे तगड़ी होने वाली, क्योंकि मुझे लगता है आनिश नोकिया की बात कर लो, तबरेज शमसी की बात कर लो, दोनों बढ़िया फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियस की बात करें तो इनकी भी जो टीम है काफी ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है, लेकिन जो फॉर्म है इनके पास भी आधी फॉर्म है आधी फॉर्म नहीं है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहार पे कंपेरिजन करें तो आप सबको पता है एंटीगुआ पहली बार खेलेगा, जिनको कोई आंकड़े है नहीं, लेकिन बात करें सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियस की, अपने आखिरी के छह मैच में एक मैच जीता, पांच मैच हारे नहीं। पिछले सीजन जो इनकी परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज था
161 बहुत ज्यादा अच्छा बल्लेबाजी एवरेज नहीं है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 9.95 का मतलब जो इनके गेंदबाजी 200 के आसपास रन खाते थे, बल्लेबाज सिर्फ 160-165 तक पहुंच पाते थे। ऐसे में 6 में से एक आता जीतोगे, बाकी मैच हारना पड़ेगा, वही है इनके साथ। एंटी हुआ पहली बार खेलेगा तो लास्ट 6 मैच का कंपेरिजन है नहीं कोई। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी, मैच उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, चलो आपको अभी तुरंत के तुरंत बता देते हैं। बस उससे पहले अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार? जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया कर लो, और जिन लोगों ने कर रखा है पहले से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो सारी एनालिसिस करने के बाद जो मैच हो तो मेरे को बराबरी पे नजर आ रहा 50 एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स एंड 50 सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का मैच है सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स अपने नाम पे कर सकता है। बाकी इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पर जिस टीम को बोलता हूं कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूं विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूं बनने के लिए, लगभग उतने ही रन बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको? कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है? ओहो ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है इस मैच में आपको भाई की अपडेट चेक करना है, अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं पे भी जाने वाने की जरूरत नहीं है। हाँ काम पसंद ना आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।